खबर राजधानी रायपुर से है, जहां पर सर्व आदिवासी समाज ने आरक्षण को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। बताया जा रहा है कि राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं करने पर सर्व आदिवासी समाज आक्रोश में है। राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं करने पर सर्व आदिवासी समाज राजभवन का घेराव करने निकला है, और लेकिन पुलिस ने सर्व आदिवासी समाज को राजभवन से पहले ही बैरिकेड लगाकर रोक दिया। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता प्रदीप नामदेव ने कैबिनेट मंत्री प्रेम साय टेकाम से खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ में आरक्षण का पेंच अभी भी फंसा हुआ है और छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज सड़कों पर उतरा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्कूली शिक्षा मंत्री प्रेम साय टेकाम है। सर, धरना दे रहे हैं आप लोग, अभी हस्ताक्षर नहीं किए राज्यपाल ने, क्या देखिए सरकार का मंशा साफ है और जितनी जिसकी जनसंख्या है आदिवासियों का, ओबीसी का, अनुसूचित जाति का, उसके अनुसार से आरक्षण उनको मिलना चाहिए और इसी आशय का विधानसभा में विधेयक पारित किया गया और विधेयक पारित करने के बाद राज्यपाल जी के पास आता है दस्तखत करने के लिए, उसके बाद लागू होता है। राज्यपाल जी ने कहा कि दो दिन बाद दस्तखत कर देंगे, आपका विधेयक पारित हो जाएगा, लेकिन आज कितने दो दिन निकल गए, कितने मंडे निकल गए। हम लोग भी मिले थे उनसे, बोले हम करना चाहते हैं, लेकिन सरकार के कुछ कुछ क्वेरी उन्होंने किया, जो कि क्वेरी करने का अधिकार नहीं है, जानकारी लेने का अधिकार नहीं है। जो आपका विधेयक पारित किया गया है उसमें आप दस्तखत किए ताकि यहाँ के व्यापक हित में यहाँ के आदिवासी, यहाँ की अनुसूचित जाति और इनको आरक्षण का लाभ मिले। आज बहुत सी नौकरियां रुकी हुई हैं, बहुत सी भर्तियां रुकी हुई हैं, बहुत से कॉलेजों में प्रवेश रुका हुआ है। ये सब चूंकि आदिवासियों का संरक्षण होते हैं राज्यपाल जी, उनको दस्तखत करना चाहिए सारे धर्मी छोड़ के, ताकि यहाँ पर ये कानून लागू हो, लोगों को आरक्षण का लाभ मिले। देखिए सर्व आदिवासी समाज यहाँ पर धरना दे रहे हैं और इसके बाद राजभवन पहुंचेंगे, बड़ी संख्या में राजभवन पहुंचेंगे, राजभवन में राजपाल से मुलाकात करेंगे। सर्व आदि समाज ने राज्यपाल को तीन दिन की चेतावनी दी थी कि हस्ताक्षर हो जाने तो हम सड़कों पर उतरेंगे और आज सड़कों पर उतर चुके हैं। कैमरा पर्सन छन्नू लाल के साथ रायपुर से प्रदीप नामदेव।